Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Devnath Saha, and you're watching my channel Crazy DS. तो अभी हम जा रहे हैं बुस्कड़ा में. बहुत अच्छा अच्छा पेंडल बना है, तो वही पेंडल हम चेक करने जा रहे हैं कि कैसे बना है. और चलो और क्या, और हमने जो मॉडिफाई किया है हमारा बाइक को, व्हाट हैपेंड, तो सबसे आगे यार फ्लासर ठीक करते हैं. तो ये देखो, ये सब मॉडिफिकेशन मैंने करवा के रखा है मेरा बाइक का. फ्लासर मॉडिफिकेशन करके रखा है हम, तो कभी हम रात में इसको निकाले नहीं, तो आज निकाल रहे हैं. तो आज हम दिखाते हैं इसको. तो चलो अभी सीधा जाते हैं. तो अभी जो टाइम हो रहा है 6:17, और हम जा रहे हैं, अभी जाते हैं. ओ भाई, और अभी ठंड भी पड़ चुका है बहुत. और थोड़ा बोड़ा मोटिवेशन हम सोच रहे हैं करना चाहिए हमारा बाइक को, पर अभी थोड़ा बहुत पैसा कम है तो करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पैसा जितना भी इकट्ठा किए थे सब इसमें डाल दिए. तो इधर सामने आके हमको मिला यार ट्रैफिक जाम. तो इधर लाइट देखो यार, कितना मस्त लग रहा है ना. इधर जो एफ जीरो वाला है इसको चला है शौक. चलो भाई, चल 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 चल, कंटेंट मिल गया, आज का तगड़ा वाला कंटेंट बनेगा. तो चलो यार बाइक को थोड़ा पार्किंग पे लगाते हैं. पार्क, तो अभी हम जा रहे हैं एक पंडाल के आसपास में, और इधर जाके हम दिखाते हैं इधर का जो थीम बना है बहुत ही अच्छा बना है. तो सीधा थीम देखिए आप लोग. तो इधर का जो थीम बना है कुछ ऐसा बना है. इधर सामने एक प्रतिमा का फोटो इधर बना के रखा है, और के अंदर जा रखने के बाद इधर का सबसे अच्छा थीम अगर लगा तो ये है भाई, सही थीम है. और ये जो थीम बना है पूरा रेड लाइट अंदर लगा के रखा है, तो जिसलिए उतना भी अच्छा, उतना अच्छा नहीं है, बट पेंडल सही है. और इधर का जो लाइटिंग है वो लाइटिंग हमको मस्त लगा है. ये जो पंडाल आप लोगों ने देखा है मेरे पीछे जो है, तो ये
ये पंडाल, ये पंडाल आप लोगों को दिखा चुके हैं। और उसके बाद जाते हैं दूसरा एक पंडाल बना है, वो भी बहुत ही अच्छा बना के रखा है। तो उधर जाने के बाद हम मिलते हैं। तो इधर का जो थीम बना है कुछ ऐसा थीम बना है लाइटिंग से, बोलते तो लाइट से, एलईडी लाइट से इधर ऐसा कुछ थीम बना है। और ये जो चाइना लाइट से बना है ये सब इधर, और ये सामने है थीम जो ऐसे क्या होता है आगे का जो पुराना वाला जो घर रहता था, तो उधर कुछ कौन बोलते हो ये जो चीज़ है और ये जो ऊपर है ये सब है जो धान होता है, धान बोले तो चावल जो उगता है जो पेड़ से, तो पौधा है तो ये सूख के ऐसे बनाए, इसको खौड़ बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम डिस्प्ले में लिख के देंगे। और इधर का थीम कुछ ऐसा है बना है, और इधर का जो प्रतिमा है कुछ ऐसा। तो ये जो पीछे जो आप पंडाल देख सकते हैं ये है गुस्करा सौगंधो पोली का, ये पंडाल है। और इधर एक हम हमारा दोस्त मिलाते स्कूल वाला फ्रेंड है, तो ये है ऋतिक। तो कैसे हो? ठीक ठाक। ठीक ठाक चल रहा है। चल रहा है। और घर में कैसा है सब? सब बढ़िया। सब बढ़िया। तुम्हारा कैसा है? हमारा भी ठीक ठाक चल रहा है। और ये जो हमारा ड्रेस है आज कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है तुम पे। अच्छा ठीक है। तो दूसरे पंडाल पे जाते हैं और उधर जाने के बाद दिखाते हैं। और अभी तक अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्यों लाइक कर दो यार चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर दो। तो इसके बाद सीधा और एक पंडाल में जाते हैं, उधर जाने के बाद हम दिखाते हैं। सामने जो आरएस दिखाई दे रहे हैं इसमें है हमारा गणेश भैया। ओ बड़ी 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 कैसे हो? बढ़िया। गणेश भैया जब आया था तो उसके बाद हमने देखा यार हमारा ये जो ग्लव्स है ये किधर गया। तो पहले पंडाल जो हमने आप लोगों ने दिखा, आप लोगों को दिखाया है, तो जिधर बाइक को मैंने पार्क किया था, पार्क समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, जिधर पार्क किया था तो उधर ही हमने छोड़ के चला आया था। तो इसलिए हम फिर से गए उधर, और उधर जाने के बाद हमको फिर से यार ग्लास मिल गया यार, बहुत सही है। बोले तो भगवान का यार दुआ है, भगवान का बहुत बहुत दुआ है जो जिसलिए मुझे ये ग्लास मिल गया, क्योंकि ये ग्लास मुझे बहुत महंगा पड़ा था। तो अभी जाते हैं यार पंडाल के पास। और तो ये जो पंडाल देख रहे हैं ये न्यू टाउन का पंडाल है, तो हम इधर फोटो डल देंगे कि इधर पंडाल कैसे, बोल दो पंडाल के अंदर कैसे डेकोरेट किया है, क्योंकि इधर जो था एक सीन हो गया, तो इसलिए हमको अभी इधर से जाना पड़ेगा, नहीं तो इधर बहुत टाइम लगेगा। और इधर अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो घर जाने में भी देर हो जाएगा, क्योंकि अभी हो रहा है 7:00 जाना पड़ा है, 7:45 हो रहा है, तो इसलिए। और इधर से मेरा घर पास में है पर अभी रात का टाइम है, तो इसलिए टाइम लगेगा बहुत जाने में। तो अभी दूसरा पंडाल के पास जाते हैं, क्योंकि अगर एक पंडाल में हम टाइम लगा देंगे तो इधर बाकी दूसरा पंडाल हम दिखा नहीं पाएंगे ना। तो जाते हैं सीधा। तो भाई कुछ
इधर लगा दिए सीधा हैंडल लॉक और जाते हैं पेंडल के अंदर में। तो गाड़ी के उधर हमने लगा दिया है, तो अभी पंडाल के अंदर जाते हैं और पंडाल दिखाते हैं, पंडाल इधर का कैसे थीम बनाया है। तो सीधा अभी अंदर जाते हैं अभी, और अंदर जाने के बाद और बालों देखो, बाल को देखो कैसे हुआ है। ये हेलमेट पहनने का यही बस एक इफेक्ट है। और इधर जो क्राउड है, क्राउड भी बहुत ही ज़्यादा है आई थिंक। इधर और इधर का क्राउड देखो यार, कितना भीड़ है इधर भाई साहब। अभी पंडाल के अंदर में जाते हैं और क्या। और इधर का जो थीम बना है, मार्क्स वाला थीम बना गया हुआ है इधर। छवि पेची भाई साहब, क्या छवि दूटी कार तो हम थोड़ा गलत लाइन में चले गए थे। एंट्री का जो गेट है वो है ये वाला, हम गलती से गए थे उधर से, तो जिसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आज के प्रश्न दिए गए थे, अभी देखने वो छोटा छोटा संपादक के पुरस्कार की तुले दवा चुके पुरस्कार के कुछ दिन तुले दवा। और अभी गेट को खोल दिया है तो सीधा अंदर जाते हैं। पेड़ पौधे से थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। और इधर का जो प्रतिमा बना है वो दिखाते हैं आप लोगों को। ये है इधर का प्रतिमा। तो अभी जितना अभी हम पंडाल घूम चुके हैं, बस ये जो पंडाल है, ये पंडाल का जो थीम मुझे अच्छा लगा है, और बाकी सब लगा है अच्छा बट उतना नहीं है। तो इधर का बस थीम देखो, थीम कैसा है। और बालों का तो सत्यानाश हो चुका है, रीज़न ऑफ दिस। तो इधर घूमने के लिए भी हेलमेट को लेके ही घूमना पड़ता है, नहीं तो हेलमेट अगर चोरी हो जाएगा तो क्या होगा, तब तब पुलिस वाला लगा देगा फाइन। और इधर का जो सीनारी है बोले तो, इधर का जो गाड़ी गाड़ी है वो देखो, ये जैसे आप ये देख सकते हो, एक बच्चा यार कोविड का यार सिचुएशन में है, तो इसको कोविड हुआ था, तो कोविड होने के बाद ये जो एक साइड मुंह जल गया है और एक साइड अच्छा है, बोले तो सही है। जैसे आप ये पेड़ को देख सकते हैं, इधर में ये भी थोड़ा बहुत काड़ी ये हुआ है, तो सही लगा ये। और इधर एक पेड़ बना है, उस पेड़ में आदमी के जैसे लग रहा है, पर आई थिंक हमको उतना भी नॉलेज नहीं है ये क्या है। ये देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, हमको पता नहीं है। तो और इधर प्रसाद दे रहे हैं, आप लोग भी पियो उधर, खाओ प्रसाद। इधर रंगोली बनाया है और इधर ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो अभी जो प्रसाद दिया है, तो प्रसाद को हम अभी खाने वाले हैं, तो खाते हैं। प्रसाद जो है बहुत ही स्वादिष्ट है। Thank you.
पंडाल है और वो पंडाल देखने के बाद हम सीधा चले जाएंगे घर। तो जाते हैं, वो जो पंडाल है वो हम सुने थोड़ा बहुत बच्चे लोगों ने बनाए हैं, तो जाते हैं उधर। तो ये है वो पंडाल, तो बाइक को इधर ही लगाते हैं, इतना घूम के जाने के कोई बात ही नहीं बनता। तो बाइक को अभी इधर ही लगा दिए और इधर का पंडाल दिखाते हैं। ये पंडाल बोले तो एक बच्चे ने डेकोरेट किया था, मतलब तो पेंटिंग किया था। तो पेंटिंग करने के बाद इधर का जो लोकल जो नेता होता है उनको दिखाया था, तो दिखाने के बाद उन लोगों ने इस पंडाल को ऐसा एक थीम दिया है। ये मुझे उतना पता नहीं है एग्जैक्ट, ये हम फेसबुक में एक भैया लिखे थे तो इसलिए हमने ये बोला। और इधर का थीम देखो, इधर का थीम भी सही है, ऐसे थीम मुझे वो शादी के शादी वाला घर में दिखाई देते हैं। और इधर का जो प्रतिमा है वो है ये, तो इतना सा ही था इधर का पंडाल। तो अभी घर जाने का फाड़ी है, बोले तो घर जाते हैं और घर जाने के बाद वीडियो को एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यार फिनिशिंग टच भी देना पड़ेगा और कुछ दिन आगे जो वीडियो पोस्ट किया था वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। और अड़को, तो ये था इधर का जो पंडाल, तो ये था गुस्कर का थोड़ा बहुत अच्छा पंडाल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना एक प्यारा सा, जो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो पीस आउट।